हेलो एवरीवन, बिग बॉस 15 में जहां ये हफ्ता मुद्दों को लेकर बवाल मचाता हुआ नजर आया, वहीं प्रतीक की किस समझदारी से वीकेंड का वार में सलमान खान प्रतीक की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, क्या है पूरी खबर हम आपको अपने चैनल पर बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सभी ने देबोलीना और अभिजीत बच्चुकले के मुद्दे को देखा और सुना होगा, जहां भी देबोलीना से पप्पी मांग कर सामान ना देने की बात हुई, वहीं पर प्रतीक ने जब इस बात को गौर से ऑब्जर्व किया तो प्रतीक ने इन दोनों को अलग अलग तरीकों से समझाया। प्रतीक ने साफ साफ शब्दों में अभिजीत से कहा कि आप फ्रेंडशिप में लाइन क्रॉस ना करें, और देबोलीना को कहा कि अगर वो किसी बात से इंस्टिगेट होते हैं तो तुम बोलोगी तो वो ज्यादा इंस्टिगेट होते हैं, तुम उनकी बात का जवाब ना दो तो वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। कहीं ना कहीं प्रतीक की इस समझदारी को सुनकर हम भी इस बात से सहमत हैं कि प्रतीक में एक और क्वालिटी हमें देखने को मिली। घर का सबसे छोटा सदस्य होते हुए भी प्रतीक ने अपनी समझदारी का सबूत हम सबको दिया। सभी घर वाले इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान थे कि प्रतीक ने इतनी समझदारी दिखाई। जब ये बात सलमान खान वीकेंड का वार में प्रतीक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं तो सभी घर वाले इस बात को ध्यान से सुनते हैं कि प्रतीक का एक दूसरा रूप हमने देखा है, और प्रतीक अगर तुम इतने जोर से इतने खुल के हंस सकते हो, तुम इतने एग्रेशन दिखा सकते हो, तो अभी तक तुमने अपनी समझदारी कहाँ छुपा के रखी थी। वाकई में जब हमने लाइव फीड में ये देखा तो हम भी प्रतीक की तारीफ करते हुए नहीं थके कि प्रतीक छोटे होते हुए भी इस बात को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था। दोनों ही उसके दोस्त हैं और दोनों ही को वो ये बात समझाते हुए नजर आए कि अगर तुम फ्रेंडशिप में लाइन क्रॉस करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। वहीं उन्होंने देबोलीना को ये भी समझाया कि तुम बार बार मत जाओ, जब तुम रिएक्ट करती हो तो वो और रिएक्शन देते हैं। इस बात को कहते हुए उन्होंने देबोलीना को कहीं ना कहीं संभाला और उनको शांत भी कराया। वाह प्रतीक, मान गए आपको, और हम यही बात आपसे आगे भी समझना, देखना और सुनना भी चाहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे प्रतीक की इस समझदारी की बात पर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।